अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने एक फैसला लिया है कल ही परसों, आपने देखा है, कल ही की बात है कि उन्होंने कहा है कि जो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों के लिए यहाँ की नौकरियां हुई, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरक्षित कर दी गई है, बाहरी लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा एक तरह से। चलिए, वैसा चुनावी स्टैंड है इस पर कोई, आप समझ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव है तो उन्हें इस तरह के बहकावे वाले या फिर जनता को एक तरह से आप दिशा देने वाले निर्णय लेना उचित भी है। और हमारे देश की जनता भी बड़ी, मतलब एक तरह से कहिए मासूम है, कि नेता जिस तरफ भी मोड़ना चाहे उस तरफ आसानी से मोड़ सकती है। पर आप खुद जानते हैं कि एमपीपीएससी का 2019 का अभी तक फंसा हुआ है, कोई उस पर फैसला नहीं आया है, डेट बढ़ती जा रही है, कभी अगस्त लगती है, कभी सितंबर लग गई है, अब समझ रहे हैं। तो मतलब पहले से जो पड़ी हुई है उन पर कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, और आप वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे। अभी आपने देखा कि वो जेल पैरी का निकाला गया था नोटिफिकेशन कुछ ही दिन पहले, उसमें आपने देखा कि उसमें भी निकाला तो वो भी हड़बड़ी में निकाला हुआ है, उसमें कई गलतियां हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक आप चुनाव के इसलिए इन्होंने एक बयान, ने चर्चा में रहने के लिए, नेता आप लोग जानते हैं कि उनका एक कला है उनके अंदर इस तरह की, कि चुनाव आया, दो चार वादे किए, जनता समटी, चुनाव में वोट दिया और निकल गए। तो देखते हैं आखिर आने वाले दिनों में क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मध्य प्रदेश के लोगों को लिया जा रहा है या नहीं। क्योंकि अभी आपने देखा है कि नोटिफिकेशन जेल पैरी का निकला था, तो उसमें आपने देखा है कि पूरा सिक्किम तक, वहां आपने देखा है नेपाल तक को शामिल करने की बात की जा रही थी, जम्मू कश्मीर सभी लोगों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा रही थी, और आज आपने देखा कि इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो मतलब इनका स्टैंड क्लियर नहीं रहता है, ये कभी बोल रहे हैं कुछ भी और कभी कुछ बोल देते हैं। तो चलते हैं, अभी देखा है आपने, विवाद भी बन गया हुआ है, चर्चा में भी बना हुआ है कि अन्य राज्य भी इस तरह से पाबंदियां लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखते हैं आखिर क्या क्या पॉइंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है कि मेंस में भी आपका क्वेश्चन बन जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियां राज्य के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, इसके लिए कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएंगे, यानी कि इसके लिए कानून भी लाएंगे वो आगे। बात करते हैं जन्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के विरुद्ध तरफ क्या कहें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को संदर्भित करता है, ये हमारा मौलिक अधिकार में आपने देखा है आर्टिकल 16 भाग 3 में आप देखते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसमें देखेंगे आप 16 आर्टिकल में कि सरकार, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, ये इसमें अवसर की समानता को, समानता रहेगी, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या फिर इसमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक आपात होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। अधिवास और निवास के आधार पर आरक्षण का भेदभाव होगा, क्योंकि मात्र न्यूनतम स्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है। इस तरह की संकीर्णता क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र की एकता के लिए खतरा भी है। एक समय हम लोग देखते थे 1857 की स्थिति, आप देखिए हम देश में, मतलब आप सोचिए गुलाम क्यों बने रहे इतने सालों तक, आप समझ सकते हैं 1947 में जाकर हमें आजादी मिलती है। तो पहले हम लोगों ने राष्ट्रीयता नहीं थी, राष्ट्रवाद हमारे अंदर नहीं था। अभी आपकी एनसीईआरटी में देखा भी हमने भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो वहां पढ़िए आप लोग, विस्तार से बताया गया है। पहले हम सभी में क्षेत्रीयवाद थी। एक आपने अच्छा उदाहरण सुना होगा, कहा जाता है झांसी की रानी को सिंधिया साहब ने मरवाया था, उसमें आप देखते हैं कि सिंधिया को अभी भी इतिहास आप लोग पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप इतिहास से जुड़े हुए हैं। उसमें लिखा गया है कि गद्दार, आप जानते हैं खुद देशद्रोही, एक तरह से आपने शब्द ये गढ़े गए, आप विस्तार से पढ़िए इतिहास, शब्द लिखेगा लिखा गया है गद्दार सिंधिया, समझ रहे हैं। लेकिन उस समय की परिस्थिति में अगर आप झांक के देखेंगे तो परिस्थिति अलग थी, उस समय क्षेत्रीयवाद व्याप्त था। क्षेत्रीयवाद का मतलब ये है कि आप आज झांसी और ग्वालियर को आप पाकिस्तान और भारत की तरह ले सकते हैं। अगर आप सोचिए कि आज भारत पाकिस्तान पर कोई आक्रमण कर रहा है तो भारत उसकी मदद नहीं करेगा, भारत खुद चाहेगा कि हमारी स्थिति स्वाभाविक सी रहे और हम सुरक्षित रहें। तो
तो इसी तरह था, अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो ग्वालियर को भी गुलाम बना लेते, और बाद में आपने देखा है कि इसे बनाया गया, उसमें स्वाभाविक सी बात है। तो इसी में सिंधिया ने क्या किया कि अपना साम्राज्य बचाने के लिए झांसी की रानी को बलि चढ़ा दी, एक तरह से उनकी उन्हें मरवा दिया गया है। तो यही शिवराज सिंह यानी कि सीएम साहब ने अपना बयान देकर इस तरह की अखंड जो राष्ट्र की एकता है इसके लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। एक बात आप स्वाभाविक सी जानते हैं, अगर हर राज्य इस तरह की बात करने लगे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में मुझे नहीं लगता है कि लोग काम करने के लिए जा पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग सूरत चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं। अगर इस तरह की भावना सभी राज्यों में आ गई और सभी राज्य यही सोचने लगे तो कोई अपने राज्य में काम ही नहीं करने देगा, नौकरी ही नहीं पाने देगा। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कितना गंभीर रूप ले सकती है। जो हमारा भारत एक दिशा में चल रहा है, राष्ट्रीयता मतलब सभी लोग एकता में बंधे हुए हैं, इसमें भी खतरा उत्पन्न होगा इसके लिए। जन्म के स्थान पर आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तर्क की बात करें तो अनुच्छेद 16(3) निवास ना कि जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नियुक्तियों के प्रावधान करने की अनुमति देता है, कुछ अपवाद के साथ। प्राय कुछ राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए कानून में मौजूद खामियों का उपयोग करते रहते हैं। इसके लिए वे भाषा या एक निश्चित अवधि के लिए राज्य में निवास, अध्ययन का प्रमाण जैसे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी आप देखते थे कि 5% अदर स्टेट के लिए 5 ही% सीटें रहती थी मध्य प्रदेश की, आपने देखा होगा एमबीबीएससी में हर नौकरी में यार, लेकिन अब उन्हें भी खत्म कर दिया गया। महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा में निपुण 15 वर्षों से राज्य में रहने वाले लोगों को पात्र माना जाता है। जम्मू कश्मीर में भी सरकारी नौकरियां केवल आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल में कुल कुछ पदों पर भर्ती के लिए बंगाली में पढ़ना और लिखना आना एक महत्वपूर्ण मापदंड है। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अब स्थिति बदल चुकी है, यहाँ बाहरी लोग भी नौकरी करने के लिए हैं, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित हैं, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि जब से 370 खत्म की गई है और लद्दाख को जम्मू कश्मीर को अलग से किया गया है तब से आपने देखा है परिस्थिति बदल चुकी है। अब वो सभी प्रावधान वहां भी लागू होते हैं जो अन्य राज्यों में लागू होते हैं। वर्ष 2019 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में लिपिकों और कारखानों की नौकरियों में निजी नियोक्ताओं को कन्नड़ लोगों को प्राथमिकता देने के लिए एक अधिसूचना जारी की। आप समझ सकते हैं कि कारखानों में अगर इस तरह की आप मुंबई भी काम करने लगे यानी कि महाराष्ट्र भी अगर दिल्ली भी तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आप समझते हैं कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मजदूर जाते हैं यहाँ काम करने के लिए, समझ रहे हैं आप? इस संदर्भ में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि राज्य के निवासियों को अधिमान उपचार देने से राज्य के संसाधनों के सही आवंटन में मदद मिलेगी, लोगों को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पिछड़े राज्य से महानगरों में लोगों के प्रवास को रोकने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है, जिससे ऐसे शहरों पर बोझ कम हो जाता है। आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग कोई भी आर्टिकल आता है किसी भी संदर्भ में आता है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखा करिएगा, फिर चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं, अगर मेंस में लिखना है आपको तो बड़ा बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा, ना तो ये आपको नकारात्मक पक्ष लिख देना है एकाएक और ना ही आपको सकारात्मक, आपको एक बीच का रास्ता सुनना है और आपको बैलेंस बनाकर पूरा आंसर लिखना है। आप भी देखते रहते हैं कभी कभी कांग्रेस की तरफ से ऐसा आर्टिकल आता है, कभी बीजेपी की तरफ से ऐसा आर्टिकल आता है और उन्हीं से आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपको अच्छे पॉइंट निकालना है और लिखना है, ठीक है। अधिवास स्थिति और जन्म स्थान के बीच का अंतर की बात करें तो डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले 1955 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अधिवास या निवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है, अर्थात जन्म स्थान के विपरीत यह समय समय पर बदल सकती है परंतु जन्म स्थान निश्चित होता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि आपका जन्म मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में हुआ मान लीजिए, या उत्तर प्रदेश में हुआ, आप ये भी तो कर सकते हैं, आप एमपी की भी तो नागरिकता ले सकते हैं, आप कहीं और दूसरे राज्य में जाएंगे अगर निवास करने लगते हैं तो वहां भी तो नागरिकता मिल सकती है, लेकिन जन्म स्थान नहीं बदलेगा आपका, जन्म आपका जहां हुआ होगा वहीं रहेगा, समझ रहे हैं, जन्म स्थान, लेकिन निवास स्थान बदल सकता है। अधिवास का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की स्थायी निवास, जन्म स्थान पर उन आधारों में से एक है जिन पर अधिवास का दर्जा जाता है।
अब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करें तो वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई भर्ती अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन महिलाओं के लिए वरीयता निर्धारित की गई थी जो राज्य की मूल निवासी थी। कैलाश चंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले में भी आप देखेंगे 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निवास चाहे राज्य या जिले या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अधिमान आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता है। संविधान विशेष रूप से जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले में 1955 में अधिवास आरक्षण को विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक माना है। आगे की राय क्या होगी अब इस पर भी बात कर लेता हूं। राज्य में जन्म लेने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण देने का कदम संवैधानिक समानता और बंधुत्व की भावना के विरुद्ध है। जैसा कि हमेशा देखा गया है कि इस तरह के राजनीतिक रूप से पेरिट निर्णय को न्यायपालिका द्वारा पलट दिया जाता है। अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है और संभवतः इस बार भी ऐसा ही देखने को हमें मिलेगा। इस तरह का प्रावधान हो सकता है लागू ना हो, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई लोग इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जाएंगे और वो क्या निर्णय देता है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीति रूप से प्रेरित एक मुद्दा है और निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि आप जान रहे हैं कि उससे पहले भी तो ले सकते थे आप, चुनाव है इसलिए तो लिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार गारंटी के रूप में रोजगार प्रदान करने वाली कोई एजेंसी नहीं है बल्कि एक प्राधिकरण है जो अपनी नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करता है। इस प्रकार के निर्णय लेते समय सरकार को संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कुछ समय ऐसा भी देखा जाता था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को काम करने के लिए मना किया जाता था, तो आपने देखा कि वहां ऐसा कुछ भी प्रावधान लागू कभी नहीं हो पाया कि रोक लगी हो, अभी भी लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होगी, हाई कोर्ट में चुनौती होगी और संभवतः तो पलट दिया जाएगा इस मामला को, ठीक है। याद रखिए और काम नहीं है, नेताओं को हमेशा आप देखते रहते हैं चर्चा में बने रहने के लिए, चुनाव के लिए इस तरह के कदम उठाते रहते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।